हेलो गाइस, वेलकम टू अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गया हूँ एक और बढ़िया शेयर, मतलब इतना बढ़िया ना, आज तो इसमें तूफान मच गया। ठीक है, इतना बढ़िया फ्यूचर के भी ओनर, बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको बढ़िया मतलब बढ़िया रिटर्न देने वाला है, उसके बारे में तो बात करेंगे। पहले उससे पहले हम कल के जो परसों के शेयर दिए थे हमने, जो शेल भी दिया था एक और दूसरा हमने दिया था हिंदुस्तान कॉपर, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, देखो पहले हम बात करेंगे शेल्बी के बारे में। आप मानो या ना मानो, शेल्बी तो फट चुका है। ठीक है, मैंने आपको खरीद दिया था 183 पे, मतलब आज तक करीब सिर्फ दो दिन में 25% का रिटर्न दिया है। ठीक है, आज ही इसने, अगर आज ही का बात करें, करीब प्रीवियस डे पे कल का क्लोजिंग किया था इसका 202, आज कितना हाई पे गया पता है आपको? रुको, अगर आपको दिखा दो, देखो आज का हाई था 19, आज ही करीब 8%, 7 से 8% आज ही भाग चुका है। मतलब ओवरऑल बात करें 183 टू 209, आपको करीब इसका डिफरेंस आएगा 25 to 25% आएगा। ठीक है, रिटर्न अभी इतना भागने के बाद ये शेयर तोड़ा करेगा, स्विंगर्स के लिए अलर्ट हो जाओ, फिर से एग्जिट कर सकते हो यार। बहुत ही भाग है। ठीक है, आप ग्रीड में मत रुकना यार, कोई भी अगर ग्रीड में जाओगे बहुत बड़ा फटका खा के ही जाओगे बाजार से। ठीक है, ग्रीड कुछ मत करना। अबे तुमको पता है अपना वॉरेन बफेट भी है ना, महीने साल का 20% मल्टीप्लाई करता है अपने इनकम का। आपको तो दो दिन में 25% मिला, और क्या चाहिए भाई, और क्या भाई, उससे बड़ा बनना है क्या? देखो ये तो हो गया स्विंगर्स के लिए, आप लॉन्ग टर्म वालों के लिए वीडियो है, आप उसको जाके दे सकते हो। और हम बात करेंगे, आप मैंने आपको कल दिया था एक हिंदुस्तान कॉपर। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर के बारे में अगर बात करोगे, देखो हिंदुस्तान ऑलमोस्ट आज साइडवेज था, मतलब साइडवेज नहीं 1% डाउन था, मतलब ऑलमोस्ट साइडवेज था मार्केट नहीं, ये हिंदुस्तान कॉपर का पर्टिकुलर शेयर थोड़ा ऑलमोस्ट साइडवेज था। अब इस पे क्या कर रहे हैं, देखो जिसके पास भी है होल्ड कर लो, इसका टारगेट बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि FIIs इसने जो है बढ़िया तरीके से बाइंग हो रहा है उनका। कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझ लो शेल्बी की तरह कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी फट सकता है। ठीक है, वो भी नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर फटेगा, बुलिश है बहुत शेयर, मतलब इसके ऊपर जिसके भी बाई किया टेंशन मत करना, फटेगा ज़रूर। ठीक है, और देखो लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बढ़िया शेयर होने वाला है, मैंने आपको सब इसका बताया था, आप वीडियो भी देखो। ठीक है, अब आज के जो शेयर बताने वाला हूँ ये आप पहले देखो, और आज मैं जो शेयर देने वाला हूँ ना आपको, ये बहुत ही बड़ा मतलब बढ़िया तरीके से फट सकता है, फटेगा, फट चुका है। सुनो, तो आज ये करीब भाग चुका है 12% के आसपास, उससे भी ज़्यादा भागा था, लेकिन क्लोजिंग बेस पर 12% आप बोल सकते हो, 12% ये भागा है। लेकिन ये आपको अगला टारगेट, इसमें स्विंगर्स फ्रेश एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये एक ना टूरिस्ट सेक्टर का शेयर है, अगर आपको पता चल चुका होगा टूरिस्ट सेक्टर का शेयर है। ठीक है, अभी तो लॉकडाउन खुल चुका है, लॉकडाउन में बहुत ही खराब हाल था इसका। ठीक है, अभी तो लॉकडाउन खुल चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से भागेगा आपको, बहुत ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी। मेरा लॉन्ग टर्म नहीं होता, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट जो मैं देता हूँ वो विद इन अ वीक भी हो सकता है करेगा, और विद इन अ मंथ भी हो सकता है मेरा टारगेट हिट होगा, हमेशा हो रहा है। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होना है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए इसका टारगेट है 320 to 400। ओके, बहुत ही लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ही छोटे एक टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे जो स्विंगर्स है ना, स्विंगर्स के लिए ये कितने पे देखने को मिलेगा पता है, 172। देखो शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 253 पर, आपको मतलब विद इन अ वीक भी बोल सकते हैं आपको देखने को मिलेगा इसका टारगेट जो है 272 to 280 पक्का हिट करेगा। फ्रेश बाइंग आप आंख बंद करके ले लो। ठीक है, आंख बंद करके, क्योंकि शेयर का नाम क्या सुनोगे, आपको एक लॉजिक हो जाएगा अगर इसका नाम सुनोगे, तब इसका फंडामेंटल थोड़ा समझ लेंगे, आपको नाम भी पता चलेगा नाम क्या है शेयर का। देखो शेयर का नाम है वंडरला हॉलीडेज लिमिटेड, कोरोना में बहुत ही बड़ा इसका बहुत ही बेहाल था, इसका हाल ही बेहाल था। अभी देखो सब हो चुका है, लॉकडाउन सब खुल चुका है, इसका एक फिर से एक अपना रूप ले चुका है भागने के लिए। 1,436 crore का मार्केट कैप है। वंडर हॉलीडेज इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स एंड रिजॉर्ट। ओके, और आपको ये करने वाला है, क्या करने वाला है रुको, देखो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री पियर्स में, एक देखो इसमें पियर्स में ना पहले नंबर पे वंडरला हॉलीडे, इसमें पहले नंबर पे, और इसका क्वार्टरली एक बार रिजल्ट देखोगे, देखो उतना बढ़िया तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अगर क्वार्टर के रिजल्ट आप ध्यान से देखोगे, अगर मार्च 2020 टू 2021 पे कंपेयर करोगे उतना बढ़िया तो है नहीं, लेकिन मार्च इसका नेट प्रॉफिट भी 1.56 था, ऑब्वियसली क्रोस में आप अपने सबसे कन्वर्ट कर सकते हो, 1.56 था, ये दिखा चुका है -4.87 पे। लेकिन ऐसे एनुअल पे भी देखोगे 38 पे जितना था आपको इधर देख रहा होगा, 271 पे इसका सेल्स कटकर हो चुका है 38। ये तो होना ही था, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन इसका फ्यूचर ना आपको मैं बोल रहा हूँ बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इसका ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो देखो आप दो साल का भी कंपेयर कर सकते हो, पिछले साल का और इस साल का, -50 में दिखा चुका है 65 से। और इसका मुझे बढ़िया क्या लगा पता है आपको, मुझे इसका बढ़िया लगा होल्डिंग्स, प्रमोटर होल्डिंग्स, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग है 69%, ऑब्वियसली इसका घट चुका है थोड़ा इस सबसे, लेकिन सही बात है 69% शेयर जो है प्रमोटर के पास होना एक बढ़िया बात है। ठीक है, और FIIs का क्या, FIIs 11.86 माल से उनके पास लिटिल बिट स्लाइट अमाउंट्स पे उन्होंने जो इसमें बाइंग कर रहा है, लेकिन डी आई इसमें भी बाइंग कर रहा है लेकिन थोड़े से अमाउंट से, पब्लिक के पास करीब 17.55 है, लेकिन आपको टारगेट ना बहुत ही बढ़िया देगा आपको, मैं बोल रहा हूँ ना बहुत ही बढ़िया मतलब बढ़िया देगा। ओके गाइस,
और वैसे वीडियोस के लिए देखो रिटेल कम्युनिटी को हम बनाना चाहते हैं प्रॉफिटेबल। मैं मुझे पता है जब भी ये जो नए लोग आते हैं ना रिटेल पे विदाउट एनी नॉलेज विदाउट ये बजर ना आपको फेंक के मारेगा, सच में बता रहा हूँ फेंक के मारेगा, ठीक है फेंक के मारा मतलब बहुत ही बड़ा लॉस देगा, आप फिर से इसमें एंटर नहीं कर पाओगे ऐसा होगा। इसलिए पहले जो भी है एनालिसिस किसका भी होगा या पहले एनालिसिस समझो, जो ट्रेड बोलते हैं हम उसको समझो, फिर अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनो, एडवाइजर मतलब जिसको पता होता है उनके सब पूछ लो, बाद में अपने हिसाब से ट्रेड लेना। ओके गाइस, लेकिन ये तो पक्का है, याद रख लो वंडरला वंडरला वंडरला।